हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अभी लगभग शाम के पाँच बज गए हैं और अभी अम्मा बेटी बैठे हैं फ़ोन देखा थोड़ी सी देर के लिए देखिए कौन थोड़ी देर खाता है। और फ़ोन के चक्कर में ही आजकल काम लेट हो जाता है ये फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आजकल सारे काम टाइम बे टाइम होते हैं बैठते हैं पाँच मिनट देखने के लिए और उसके बाद फिर दस मिनट पंद्रह मिनट तो लग ही जाती हैं है रितिया मैं सोचा बस पाँच मिनट देखा नहीं।, नहीं फिर दस मिनट बीस मिनट नो ही लेकर जहाँ मेरी तो मैं तो ही कराया करो मैं सोचूंगी पाँच मिनट देखूंगी बस और फिर आधा घंटा लग जाए देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ तो अभी काम मेरा कुछ भी हुआ नहीं है मुझे कपड़े भी छोड़ने हैं और गोबर उठाना है और खाने की तैयारी करनी है मतलब कि सारा काम बाकी है मेरा आज मैं दोपहर को कुछ देर के लिए लेट गई थी और इसीलिए काम करने में लेट हो गई लेट गई तो लेट हो गए <laughs> है रितिका नहीं।, नहीं तो कपड़े तो मैं दोपहर को ही नहीं छोड़ लेती तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं चल लगना रितिका और खाने में आज मैं फिर से दाल बनाने वाली हूँ दो सब्जी बनाऊंगी पहली बार और चावल और रोटी बनाएगी तो चलिए पहले थोड़ा सा काम बाकी है ना वो निपटा लेती हैं उसके बाद फिर देखेंगे खाने में क्या क्या बनाऊंगी तो जी अभी सबसे पहले तो मैं उठा लेती हूँ गोबर क्योंकि गोबर नहीं उठाते हैं तब तक ये लगा रहता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ चाहे सुबह का हो या शाम का हो सबसे पहले मुझे ये रहता है कि गोबर उठा लेते हैं उसके बाद फिर ये लगने लगता है कि पशुओं का काम अभी निपट गया है वैसे इतना ज़्यादा गोबर अभी हमारे यहाँ पर होता नहीं है कम होता है दो तसले हुए थे तो जल्दी से मैंने उठा कर डाल दिए शाम का गोबर मैं बुलाई में डाल कर छोड़ देती हूँ सुबह थापती हूँ वैसे अभी मैं दो तीन दिन का इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि बारिश हुई थी तो दो तीन दिन का इकट्ठा कर लिया है अभी गोश्ते थापने भी जरूरी हैं क्योंकि थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी फिर उसके बाद तो हमारे यहाँ गोश्ते थपते नहीं हैं और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी कपड़े धुलने की तैयारी में लाइट आ गई थी तो अभी मैंने पानी चला लिया है ताज़ा पानी भर लेते हैं क्योंकि ताज़ा पानी में हम कपड़े निचोड़ते हैं तो पता भी नहीं चलता है ठंडे पानी में तो काम नहीं हो पाता है लाइट नहीं आती तो फिर मैं गीज़र में से ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके तब निचोड़ती पर ठंडे पानी में मैं कपड़े नहीं निचोड़ती हूँ सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि हाथ पानी में भिगोने का भी मन नहीं करता है कपड़े निचोड़ना तो दूर की बात पर अभी आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई हूँ तो इस टाइम पर लाइट आ गई थी वैसे दोपहर को भी मैं कपड़े धुलने की मशीन चलाती हूँ ना तभी ये सारे बर्तन यहाँ पर भरकर रख लेती हूँ क्योंकि थोड़े से कपड़े तो मैंने निचोड़े थे उसके बाद फिर मैं लेट गई तो मेरी आँख लग गई हो जाता है कभी कभी ऐसा और अभी थोड़ी सी धूप निकलने लगी है तो थोड़ा सा हालकस भी हो जाता है दोपहर को काम करते करते हम सोचने लगते हैं कि धूप निकली हुई है तो थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाते हैं और इतना ही टाइम होता है वैसे तो डेली यूज के इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे बस मैंने मेरी दो तीन जर्सी एक दो कोट वगैरह डाल दिए थे तो वो रखे हैं और थोड़े बहुत बस बच्चों की ड्रेस वगैरह थी इनकी ड्रेस तो मुझे डेली धोनी पड़ती है वो तो आप सबको पता ही है कि शांत की ड्रेस तो बस एक दिन पहन कर जाता है दूसरे दिन तो इसकी मुझे धोकर सुखानी पड़ती है और रितिका कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं करती है ईशांत की ही आदत कुछ ऐसी है और मैं चाहे इसको कितना भी समझा लूँ इसको कुछ समझ नहीं आता है कपड़ों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं हमेशा इसको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि ड्रेस जैसी पहन कर जाएगा वैसी ही आनी चाहिए पर ऐसा कभी भी नहीं होता है ये स्कूल से आता है तो ड्रेस इसकी बहुत ज़्यादा गंदी होती है ये इसका हर रोज़ का काम है और आज खाना बनाने में भी मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी तो अभी कपड़े मैंने निचोड़ कर मशीन में डाल दिए हैं और आरा लगा कर आरे में मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था और दाल भिगो कर रख दी थी तो अभी पानी में मैंने डाल दी है दाल पालक और वही मसाले डाले हैं सिंपल से जो हम रोज़ डालते हैं प्याज टमाटर डाल दिए साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला है एक चम्मच घी डाल दिया है क्योंकि उस दिन मैंने दाल बनाई थी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे भी अच्छी लगी तो आज फिर से मैंने आर में ही रख दी है बनने के लिए और ऐसे हम खाना बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाता है तो अभी दाल हमारी आर में बनकर तैयार हो जाएगी और तब तक मैंने ये स्टील का टोपिया ले लिया है इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा ली है अभी इसमें हम बना लेते हैं चावल मैंने चारों तरफ मिट्टी लगाई थी और नीचे लगाना भूल गई थी क्योंकि मैं हमेशा डेगची में बनाती हूँ तो मुझे आदत नहीं है टोपिया वगैरह में ऐसे मिट्टी लगाकर मैं कभी चूल्हे पर रखती नहीं हूँ पहली बार ही रखे हैं मैंने सटील के बर्तन बस एक दो बार उस दिन दाल बनाई थी सटील की डेगची में अभी मैं सोच रही हूँ कि सिल्वर की डेगची में नहीं बनाते हैं पर आज दाल मैंने सिल्वर की डेगची में ही रखी है क्योंकि उस सटील की डेगची में मैंने घी रख दिया है और सटील के बर्तन बस मेरे पास चार पाँच ही हैं ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिल्वर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो घर में सिल्वर ही थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो अभी चावल रख दिए हैं मैंने बनने के लिए सिंपल पानी गर्म किया था उसके बाद फिर उसमें चावल डाल दिए और एक चम्मच घी डाल दिया घी डालने से चावल हमारे थोड़े से खिले खिले से बनते हैं वैसे मैं मीठे चावल बनाती हूँ तो मेरे चावल इतने ज़्यादा खिले खिले नहीं बनते हैं क्योंकि हमारे घर में सबको मीठे चावल ही पसंद है और अभी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है दाल के साथ आज खाने में मैं आलू मेथी की सब्जी बनाने वाली हूँ रितिका के पापा को दाल थोड़ी सी कम पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू मेथी बना लेते हैं मैं हमने घर पर बीज रखी है और थोड़ी थोड़ी हम बीज लेते हैं तो यही फ़ायदा होता है कि हमें जो हरी सब्जियाँ होती हैं जो नॉर्मली हम घर पर इस्तेमाल करते हैं वो सब्ज़ियाँ बाज़ार से नहीं खरीदनी पड़ती हैं तो अभी सिंपल मैंने तेल गरम किया उसके बाद फिर जीरा डाल दिया फिर प्याज डाल दी अभी प्याज को हल्का सा भून लिया है उसके बाद फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है एक चम्मच डाला है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा दाल में डाल दिया थोड़ा सा अभी सब्ज़ी में डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि आज मैं बताऊँ कि पराठे भी बनाने वाली हूँ अभी प्याज मेरी हल्की हल्की भुन गई थी उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं आलू आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे वैसे हमारे घर में हर रोज़ सिर्फ एक सब्जी बनती है सब्जी रोटी सिंपल साडी रखती हूँ मैं आज मैंने कुछ अलग बनाया है थोड़ा सा तो अभी आलू में साथ ही मैंने एक चम्मच हल्दी डाल दी है इससे हमारी सब्ज़ी में कलर बड़ा अच्छा आता है तो अभी आलू को ढककर कर पाँच छः मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं आलू हम पहले पका लेते हैं क्योंकि मेथी बड़ी जल्दी पक कर तैयार हो जाती है तो अब ये देखिए आलू हमारे आधे पक गए हैं अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले वही बेसिक से मसाले डालूंगी मैं जो हर रोज़ हम सब्जी में डालते हैं नमक लाल मिर्च धनिया हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और लाल मिर्च भी ज़्यादा डाली है क्योंकि हम हरी सब्जी कोई भी बनाते हैं तो उसमें मिर्च कम रह जाती है और हरी सब्जी में मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए तभी खाने में अच्छी लगती है अभी मसालों को मैंने दो तीन मिनट के लिए तेल में भून लिया था और उसके बाद फिर दो टमाटर डाल दिए हैं अभी टमाटरों को दो तीन मिनट के लिए पका लेते हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे मेथी मेथी डालकर मिक्स करके और सब्जी को ढककर पकने के लिए रख देंगे और पानी ना डालें बिल्कुल भी बस टमाटर में जो हल्का सा पानी होता है उसी से ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बनाएंगे हम वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आलू हमने पहले फ्राई कर लिए थे ना तो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है अभी दाल भी हमारी बन गई थी तो दाल के लिए मैंने ये तड़का तैयार कर लिया है सिंपल सरसों का तेल गर्म किया उसमें मैंने फिर लहसुन और जीरा डाल दिया है आप चाहें तो इसमें दो चुटकी हींग भी डाल सकते हैं पर हींग मैंने बनाते टाइम डाल दी थी तो अभी मैंने तड़के में हींग नहीं डाली है पर दाल जब भी बनाएं तो हींग जरूर डालें अभी तड़का मैंने दाल में लगा दिया है और सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है सारे काम आज तो साथ साथ चल रहे हैं तो अभी कढ़ाई को मैं उतार देती हूँ नीचे और आज मैंने आटा गूंथ कर नहीं रखा है अभी तक क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था सब्जी को छूकने के बाद फिर मैंने मेरा एक दो काम और निपटाया था वैसे मेरा यही चलता रहता है खाने के बीच बीच में मैं मेरे काम करती रहती हूँ तो ये देखिए दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये दाल खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है कुकर में हम दाल बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और कुकर की दाल इतनी अच्छी भी नहीं रहती है हो सके अगर आप गांव में रहते हैं तो ये आ की दाल ज़रूर ट्राई करें वैसे पहले तो ऐसे ही बनती थी अभी हमने ही छोड़ दिया है तो अभी बच्चे तो बैठ गए हैं दाल चावल खाने के लिए क्योंकि इनको तो दाल चावल ही पसंद है सब्जी रोटी तो बस मैंने रितिका के पापा के लिए बनाई है अभी सिंपल मैंने गेहूँ का आटा छान लिया था उसमें बथुआ डाल दिया है और मसाले डाल लेते हैं अदरक लहसुन और अर मिर्च का पेस्ट तो मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा पहले ही तैयार कर लिया था तो मैंने वो डाल दिया है लाल मिर्च डाली है नमक डाला है बस सिंपल से मसाले डालती हूँ मैं पराठों में इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ साग में तो मैं थोड़े से ज़्यादा मसाले डालती हूँ क्योंकि साग हमारे यहाँ सबको चटपटा पसंद है कई बार आप सब बोल भी देते हैं कि दीदी साग में इतने मसाले कौन डालता है पर मैं साग में थोड़े से ज़्यादा मसाले डालकर बनाती हूँ तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है वैसे आप हरी सब्ज़ी कोई भी बनाएं तो थोड़े से कम ही मिर्च मसाले डालें वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है सेहत के लिए पर पता तो हमें सब बातों का है पर हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये जीभ हमारी टेस्ट की इतनी ज़्यादा लालची हो गई है ना हमें हर चीज़ में टेस्ट चाहिए तो इसी के चक्कर में हम हमेशा मिर्च मसाले ढेर सारे डाल कर ही बनाते हैं तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने आटा भी गूँथ लिया है और पराठे भी बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और रितिका लगी हुई है हाँ अभी मूली छिलने में ये हमारे खेत की ताज़ा मूली है वैसे तो रात को मूली नहीं खाते हैं ठंडी रहती है पर खेत की जो ताज़ा मूली होती है ना वो रात को भी खा लेते हैं क्योंकि हमारे घर में लगभग शाम को ही मूली आती हैं तो हम रात को खाते हैं खाने में मूली और ये बिल्कुल भी ठंड नहीं करती हैं और खाने में भी अच्छी लगती है एक दो मूली तो हर रोज़ ज़रूर खानी चाहिए तो अभी डिनर हमारा तैयार हो गया है अभी मैं लगा देती हूँ थाली आलू मेथी की सब्जी है और साथ में तड़का लगी हुई दाल है चावल है और सिंपल बथुए के पराठे हैं खेत की हरी सब्जियों से बनी हुई देसी स्टाइल थाली तैयार की है मैंने ये बथुआ सरसों ये कल रितिका के पापा लेकर आए थे तो मैं बना नहीं पाई कल के ही रखे थे तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं और दाल चावल मैंने बनाए हैं बच्चों की फरमाइश पर तो आज तो सब की फरमाइश पूरी हो गई है इनकी भी और बच्चों की भी और साथ में मैंने रख दी है मूली सलाद में प्याज वगैरह रात को नहीं खाते हैं हमारे यहाँ सुबह की थाली में तो मैं प्याज रख लेती हूँ पर शाम को हम प्याज बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार आप सब भी आ जाइए खाने के लिए तो ये थाली मैंने लगाई है रितिका के पापा के लिए आज बच्चों का खाना पहले ही हो गया है ये दोनों बहन भाई तो दाल चावल खा चुके हैं और मेरी बताऊँ तो मैं भी दाल चावल ही खाऊँगी क्योंकि मुझे भी दाल चावल थोड़े से ज़्यादा पसंद है आलू मेथी की सब्जी और ये पराठे वगैरह मैं खा लेती हूँ पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है मुझे दाल चावल पसंद है तो मैं भी वही खाना पसंद करती हूँ और इसीलिए मैंने पराठे थोड़े से कम ही बनाए हैं बतवा थोड़ा सा बचा कर रख लिया है कल सुबह पराठे वगैरह या कुछ भी बना लेंगे काट कर धोकर रख लेते हैं तो एक दिन दो दिन आराम से चल जाता है वैसे अभी हम गांव में रहते हैं और सर्दियों का सीजन तो खेत में तो बड़ा ही कच्चा कच्चा बथुआ है अभी पर तोड़ कर ले कर आने की मुश्किल हो जाती है ये कल रितिका के पापा कहीं का मन हो गया होगा तो तभी ये लेकर आए थे वैसे मैंने तो बोला नहीं था मैं किसी दिन खेत जाती हूँ तो लेकर आती हूँ तो अभी सामान वगैरह उठा कर रखना वो सारा काम मेरा हो गया है बर्तन और साफ कर लेते हैं आज बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि दो तीन चीज़ें बनाई थी मैंने दाल को मैंने शटील के टोपी में डालकर रख दिया है सिल्वर की डेगची को खाली कर दिया है फिर वही बात आ जाती है हमें पता तो है कि सिल्वर में खाना नहीं बनाना चाहिए खाना नहीं चाहिए पर ये सारी बातें हो नहीं पाती हैं क्योंकि तो अभी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं भी नहीं मिट्टी के भी बर्तन नहीं हैं और स्टील के भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और वो भी नहीं पाता है सब कुछ तो अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और उसके बाद फिर अभी ये दूध और जमा देती हूँ दूध सर्दियों में बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्मियों में हम बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध में जामा लगाते हैं और सर्दियों में थोड़ा सा ठीक गर्म जैसे हम पीते हैं ना वैसा दूध गर्म करके जामा लगाते हैं तो दही हमारी बड़ी अच्छी बनती है अभी मेरा सारा काम निपट गया है अभी पूरे घर की लाइट बंद कर देते हैं और ये गेट बंद कर देते हैं ये छोटे छोटे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं और सर्दियों में तो ये भी रहता है ना कि बाहर कोई भी सामान ना रह जाए सारा सामान उठाकर अंदर रखना पड़ता है तो जी अभी बज गए हैं साढ़े नौ और हमारा काम बस अभी खत्म हुआ है और अभी हम देखते माँ बेटी दोनों कुछ देर फोन पर फोन काल नेट खत्म हो गया है तो टिका हो गई है थोड़ी सी उदास फोन देखने को नहीं मिला ईशांत आज थोड़ा सा जल्दी सो गया है तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए राम राम गुड नाइट शुभरात्रि चाल एक तरीके में मेरी तो सो ताती हो मेरे तो फायदा ही है <laughs> मैं बाहर <ने> बैठी <laughs> इतने ठंडे आते हैं तेरे <laughs> मेरे मुंह को नाला सब तो बड़ा पाप है ठंडे हाथ लगाना ठीक से बहुत बड़ा पाप सही <laughs> देख ली इतना पाप लागेगा